यूपी के जनपद मुरादाबाद के कुंदर की थाना क्षेत्र के यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान के अस्पताल पर स्वास्थ्य विभाग, ड्रग विभाग, आयुर्वेदिक विभाग की संयुक्त टीम ने झोलाछाप डॉक्टर पर बड़ी कार्यवाही की है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की टीम ने झोलाछाप डॉक्टर अब्दुल्ला पठान के अस्पताल पर छापा मारा है और फर्जी अस्पताल से एलोपैथिक, आयुर्वेद, होम्योपैथी की दवाइयों के 36 सैंपल सील किए हैं। ये डॉक्टर लीवर, सेक्स संबंधी समस्त बीमारियों का इलाज करता है और मरीजों से 5,000 से 20,000 रुपए वसूल कर दवाइयां देता है। झोलाछाप डॉक्टर अब्दुल्ला पठान सोशल मीडिया के माध्यम से फेमस हुआ था और मरीजों के साथ वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है। हालांकि झोलाछाप दवा खाने पर टीम को देखते ही झोलाछाप हकीम मौके से फरार हो गया। आपको बता दें कि यूट्यूबर अब्दुल्ला पठान की यूट्यूब पर वीडियो देखने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हरकत में आए थे। छापेमारी में नोडल अधिकारी संजीव बेलवाल, आयुर्वेद व ड्रग्स इंस्पेक्टर मौजूद रहे, साथ ही कुंदर की थाने की पुलिस भी तैनात रही। एक्चुअली एक अब्दुल्ला पठान के नाम से यूट्यूबर्स हैं, उसमें कुछ मेडिसिन का वो व्यवसाय करते हैं, तो उनकी एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसके द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुरादाबाद ने एक कंबाइंड टीम गठित की गई थी जिसमें ड्रग आयुर्वेदिक क्षेत्रीय यूनिट्स को भी उसमें सम्मिलित किया गया, होम्योपैथिक डिपार्टमेंट को भी उसमें सम्मिलित किया गया। उसके आज यहाँ पे उसके नमूने यहाँ से लिए गए हैं, तो जो शिकायत मिली थी तो उसके साथ में जो भी विधिविक कार्रवाई होगी इस सैंपल के रूप में ये भेजे जाएंगे लेबोरेटरी में कि इसमें क्या है, क्योंकि इसमें यह पाया गया है आज निरीक्षण के दौरान कि उस पर कोई भी पेटेंट नाम, किसी कंपनी का नाम इत्यादि नहीं लिखा हुआ था, तो उसके लिए जांच के लिए भेजे जा रहे हैं। सर कितने सैंपल बने? लगभग हमने 33 सैंपल्स हैं। सर लगातार शिकायतें हो रही हैं यहाँ और अब कितने समय बाद छापेमारी हुई है, पहले से कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? लगभग इस मंथ में मेरे द्वारा लगभग 44 FIR कराई जा चुकी है।